दमोह के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के बक्सवाहा मार्ग पर एक आलू से भरा ट्रक पुलिया के नीचे अनियंत्रित होकर जा गिरा, जिसमें चालक परिचालक ट्रक के अंदर केबिन में फंसे रह गए। जब राहगीरों की सूचना पुलिस को मिली तो आनन-फानन में राहत कार्य शुरू करते हुए ट्रक में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों की सहायता से जेसीबी की मदद से रेस्क्यू शुरू किया गया, जिसमें पहले चालक को बाहर निकालकर तुरंत 108 की सहायता से उपचार के लिए बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत में उसका उपचार जारी है। वहीं एक व्यक्ति को ट्रक के केबिन के अंदर काफी देर तक फंसे रहने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक के कुछ हिस्से को काट कर निकाला जा सका। काफी देर तक चले रेस्क्यू में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसमें बटियागढ़ पुलिस के साथ ग्रामीणों ने भी अपना पूरा सहयोग किया। वहीं इस घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में भी लोग यहां आ गए थे। बक्सवा रोड पर गुलाबी पुलिया में एक ट्रक पलट गया है, आलू का ट्रक है, उसमें दो व्यक्ति घायल थे, एक व्यक्ति को हमने निकाल लिया था, एक व्यक्ति अभी भी फंसा हुआ है। जेसीबी काम करने के लिए हमने क्रेन मंगवाई है, सीमेंट फैक्ट्री वाली क्रेन भी बिजी है और दमोह से क्रेन आ गई है। कहाँ की गए? दमोह से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। शुद्धता की कसौटी पर एकदम खरा पांडे मिष्ठान भंडार, यह सिर्फ बरुआ सागर में नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। सन 1963 से आज तक विश्वास और स्वाद का दूसरा नाम है पांडे मिष्ठान भंडार। नाम सुनकर मुंह में आ जाए पानी, यही तो है पांडे जी के रसगुल्ले की निशानी। तो फिर देर क्यों भैया, आइए और नए वर्ष पर अपना मुंह मीठा कीजिए। पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड बरुआ सागर 66।